है जनाब, हम एक दफा दोबारा चलते हैं सऊदी अरेबिया, जहाँ पे एक क्लरिक हैं जिन्होंने कहा है कि दुनिया जो है वो घूमती नहीं है। दुनिया शायद गोल हो सकती है लेकिन घूमती नहीं है, क्योंकि हम अगर चाइना जा रहे हो तो हम जहाज में, हाँ हम चीन की तरफ जा रहे हैं, चीन हमारी तरफ नहीं आ रहा तो वो क्या घूमती नहीं है। वैसे मतलब लॉजिक तो है इसकी बात में, अगर सोचा जाए, मतलब अगर आप मतलब सारी टेक्नोलॉजी तो जो दुनिया है वो साइंस, अगर आप सारी साइंस और टेक्नोलॉजी और ये सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स को नजरअंदाज कर दें तो इनकी बात में दम तो है। देखिए हम मुसलमानों का, मैं अगेन कहूंगा कि अगर हम थोड़ा दोबारा फतवा लगाने वाले हो, मैं फतवा कोई नहीं लगाने वाला, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को अगर साइंस और रिसर्च का जरा सा भी शौक होता, जिसके ऊपर हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे जो साइंस के बानी जो साइंसदान थे वो 500-600 साल पहले सारे मुसलमान थे, और वही चीजें अब वेस्ट ने हमसे लेकर के अब वो आगे बढ़ रहे हैं और हमने उसको छोड़ दिया। हम किताबों में पढ़ते हैं कि जी 500 साल पहले एक कोई बड़ा मुसलमान साइंसदान गुजरा था। मुझे बता दें कि लेटेस्ट आप कोई पिछली एक सदी में कोई बड़ा साइंसदान